पिछले 10 साल में हमारे भारतवर्ष ने जो देखा है, जो हमारा अनुभव रहा है, वो निश्चय ही अभूतपूर्व है, अतुलनीय है, आसान नहीं है। 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर लाना, और उस वक्त जब आप जानते हैं कि पूरे विश्व में क्षेत्रीय युद्ध हो रहे हैं, और सामान्य नागरिक भी ये जानता है कि ऐसी परिस्थिति में जो ईंधन है वो भी महंगा हो जाता है, खाद व खाद्य पदार्थ, हर तरह की महंगाई जो है पूरे विश्व में हो जाती है दोस्तों, उससे हम बचते बचाते आए तो आप जानते हैं कि इस पिछले 5 साल में एक वैश्विक महामारी की चपेट में सारा विश्व आ गया, जिससे न जाने कितनी बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं डगमगा गई। लेकिन हमारे भारत में जो हमने देखा, पूरा विश्व हैरान है, अद्भुत है, इसे एक चमत्कार मानता है। हमने एक ऐसा नेतृत्व देखा जिसके साहस ने, जिसकी ऊर्जा ने, जिसके नेतृत्व ने सारे विश्व में भारत की एक विश्व गुरु की छवि बनाई। दोस्तों, जहां एक वक्त था हमारा भारत कूड़ा करकट, गंदगी, खुली शौच, आऊं भी वहां जो पता सरका गाटा दे कने हर वक्त भी बड़े भारी खड्डा ही बाटा ही 2014 से पहले हमारी सभी खड्डा बाटा जो तुहा जो पता शौच ही शौच दुस्सा थी। मगर आप आज देखिए, मैं भरमौर से लेकर रामपुर, मैं पिछड़े से पिछड़े क्षेत्र से लेकर अपनी उन खड्डों का आप जब दौरा करती हूं तो मुझे एक ऐसे प्राकृतिक सौंदर्य का नजारा मिलता है कि जैसे पुरानी वो बातें बिल्कुल मैं भूल गई हूं। क्या अभी हम सोच सकते थे जिस भारत को लोग गंदगी के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, पूरा विश्व सोचता था कि इतना गरीब देश है, यहां हम गरीबी का, इनकी गरीबी का मजाक उड़ाते हैं, हम इन लोगों के खान पान रहन सहन का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि ये लोग गरीब हैं, लेकिन इनके नेताओं के पास भ्रष्टाचार करने के लिए कई लाख करोड़ के घोटाले, कई हजार करोड़ के घोटाले, 2G घोटाले, कोयले घोटाले, चारा घोटाले, ना जाने कितने तरह के घोटाले, जहां सोच नहीं सकते वैसे वैसे घोटाले कहां से होते हैं। निश्चय ही ये भी एक मजाक के पात्र हम पूरे विश्व में बनकर रह गए थे कि ना कि ये सिर्फ एक गरीब देश है, ये एक भ्रष्ट नेताओं का भी देश है। ऐसी गरीब और ऐसी परिस्थितियों में ये आप लोगों की चेतना की चिंगारी थी, ये आप लोगों के कष्ट और दुख से निकली हुई आह थी जो इस भारत में, जहां पर कांग्रेस का कीचड़ फैला हुआ था, वहां पर एक कमल खिला। दोस्तों, महिलाओं को 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज, आयुष्मान भारत के द्वारा सब बुजुर्गों को 5 लाख तक की राशि का मुफ्त इलाज, जल जीवन मिशन के अंतर्गत 14 करोड़ फैमिलीज को पानी, 2000 से ज्यादा गांव को बिजली, न जाने ऐसे कितने काम जो कि आजादी के तुरंत बाद किए जाने चाहिए थे, लेकिन हमें 60 साल लग गए और एक तरह की क्रांति आई इस देश में, एक सनातनी क्रांति आई और जिसने इन कांग्रेसियों का जो है पूरी तरह से जड़ निकाल दी इस देश से। दोस्तों, आज वो मौका है जब सारा विश्व चाहे, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा गई हैं, चरमरा गई हैं, लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था जो 11वें नंबर पर हुआ करती थी अब 5वें नंबर पर आई है, और भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र कहता है कि इन अगले 5 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था होगी। तीसरी अर्थव्यवस्था होने का मतलब आप जानते हैं, अमेरिका, चाइना और भारत एक विश्व की बहुत बड़ी शक्ति बनकर निकल के आना, ये बहुत लोगों को बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रहा है इस चीज से।
तो आप कतई कांग्रेस को कमजोर मत समझिएगा, आप ये मत समझिएगा कि ये अंग्रेजों का बचा खुशा अंश है और अब पूरी तरह से पूरे भारत ने इसे नकार दिया है तो ये मत खत्म ही है। आप ये समझिए कि ना जाने कितनी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, चाहे सोरोस हो चाहे चाइना, इस कांग्रेस को मजबूत कर रही है। ना जाने कितने अरबों करोड़ों इसे दिया जा रहा है और हमारे देश में अस्थिरता लाने के लिए कितनी अंतर्राष्ट्रीय साजिशें की जा रही है। दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि कांग्रेस सिर्फ एक बची खुची जो है अंग्रेजों का अवशेष है, ऐसा कतई मत सोचिएगा। दोस्तों एक तरफ तो हमारी भारतीय जनता पार्टी है जिसके जो संस्कार और संस्कृति है वो किसी से छुपी नहीं है। हमारे जो नेतागण हैं, हमारे नड्डा जी जिन्होंने आज आकर हमें यहां बहुत ही उत्साहित और प्रोत्साहित किया है, आप सब जानते हैं एक सामान्य परिवार से आते हैं, जैसे कि मोदी जी एक सामान्य परिवार से आते हैं। वो बहुत ही संघर्ष कर इन्होंने ये पद प्राप्त किया है, कोई राजा रजवाड़ा से या किसी पारिवारिक विरासत से इन्हें पद नहीं मिला। और अब हम सब जानते हैं जब इन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष का जब सम्मान मिला था तो पूरे विश्व में हिमाचल का नाम क्या रोशन हुआ, और जब इन्होंने अपने कार्यकाल संभाले तो हिमाचल में एम्स से लेकर अटल टनल, ना जाने कितने वैश्विक स्तर के इन्होंने यहाँ पे योजनाएं लाई। आज अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, चाहे हम स्पेस रिसर्च की बात करते हैं, आज भारत जो है विश्व में सबसे विकसित देशों से कंधा मिलाकर चल रहा है, क्योंकि हमारा नारा है कि हम अपनी जेब नहीं भरते, हम जनता के कल्याण के लिए काम करते हैं। मुझे कहते हैं ये तो हीरोइन है, हाँ तो इसमें क्या बुरी बात है। मुझे कहते हैं कि ये अपवित्र है, मैं इनको ये कहना चाहूंगी कि मैं आप लोगों की तरह नहीं हूं, मैं अपने माता पिता का नाम इस्तेमाल करके नहीं अपनी योग्यता से अपनी जिंदगी में हर मुकाम पाया है, और शायद यही कारण रहा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने सोचा होगा कि ये बेटी भी हमारे उन सामान्य गरीब परिवार से आती है और ये निश्चय ही गरीबों की सेवा में अपना जीवन लगा देगी, जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने और नड्डा जी ने और हमारे सभी नेतृत्व ने लगाया है। हम राजा रजवाड़ों के परिवारों से नहीं आते हैं, हमने गरीबी पुस्तकों में नहीं पढ़ी है। दोस्तों ये 2024 का चुनाव हमें एक मुंहतोड़ जवाब देना होगा कांग्रेस पार्टी को, ना कि सिर्फ महिलाओं का, ये सेना बलों का भी अपमान करते हैं। ये कहते हैं कौन सी सर्जिकल स्ट्राइक हुई, हमने तो नहीं देखी। अरे क्या तुमको वहां लेके जाए क्या? हमारे सैनिकों को कहते हैं कि ये कायर है, ये गलवान वैली में मार खा के आए हैं। क्या मनोदशा होती होगी उस माता की, क्योंकि आप जानते हैं ये तो वीर भूमि है, हिमाचल वीर भूमि है, जिसने अपना बेटा देश के लिए बलिदान दिया है, देश के लिए उसकी आहुति दी है, क्या उसकी मनोव्यथा होती होगी आप सोच सकते हैं। लेकिन ये कांग्रेस की यही उसके रिवाज है, यही उनकी नीतियां हैं। इनके वित्त मंत्री ने एक बार कहा था कि ये बेकार और निठल्ले गरीब अनपढ़ गवार लोगों का देश है, ये मोबाइल क्या यूज करेंगे। आज इनको शर्म आती है जो विश्व में मैक्सिमम डिजिटाइजेशन हमारे भारत में होती है और डिजिटल ट्रांजैक्शन भी हमारे भारत में यूपीआई के सक्सेस से इनकी नाक कटनी चाहिए, लेकिन नहीं कटती है, क्योंकि बेशर्म लोगों की नाक नहीं कटती, वो लोग ढीठ होते हैं। और इसी का नजारा हमने कल देखा, इनके एक अंकल हैं सैम अंकल, जो शहजादे साहब के बहुत ही प्रिय हैं, उनके मेंटोर हैं, उनके गुरु हैं। कल उन्होंने जिस तरह से कांग्रेस की यह नीति रही है कि भारत और भारतीयों का, महिलाओं का, किसानों का, सैनिकों का हमेशा अपमान करते हैं, कल उन्होंने हमारे सब भारतवासियों को जैसे कि गाली दी हो। उन्होंने कहा कि जो काले लगने वाले भारतवासी हैं वो अफ्रीकन की तरह लगते हैं, जिनकी बादामी आंखें होती हैं वो चाइनीज की तरह लगते हैं, और ऊपर जो नॉर्थ से आते हैं वो गोरे गोरों की तरह लगते हैं, और जो गुजराती या महाराष्ट्री बेल्ट से आते हैं वो तो अरब देशों के लोगों की तरह लगते हैं।
क्या आप सोच सकते हैं ये घटिया और नीच सोच की क्या आधार है? हमारे देश में चाहे कृष्ण हो चाहे राम हो, श्याम वर्ण के थे, उन्हें श्याम कहा जाता था, जिसका मतलब है कि जैसे काले रंग से भी जो काला रंग होता है उसे श्याम कहते हैं। और हमारे घर में आज भी कोई बच्चा पैदा होता है जिसका रंग काला होता है, उसका उसका नाम श्याम रखा जाता है। हम अपने पूर्वजों की तरह लगते थे। द्रौपदी का रंग काला था, इसीलिए कृष्ण ने उसे अपना नाम दिया था और वो भी उसे कृष्णा ही कहते थे। हम अफ्रीकन्स की तरह नहीं लगते, हम अपने पूर्वजों की तरह लगते हैं। जब अर्जुन मणिपुर गए थे तो उन्होंने वहां एक हिंदू राजकुमारी से शादी की थी जिसका नाम था चित्रांगदा। तो क्या उन्होंने किसी चाइनीज से शादी की थी? कहां से आती है उनके दिमाग में ये बातें? सारा दिन इटालियन लोगों के साथ घूमकर इटालियन बोलते हैं, शायद उनका दिमाग ही भ्रष्ट हो चुका है। राहुल गांधी इटालियन होंगे, लेकिन हम लोगों को इस तरह से टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित करने की कोशिश सैम अंकल ना करें। ये जो टुकड़ा सोच है ये भी कांग्रेस की ही सोच है दोस्तों। उन्होंने कभी इस देश को अखंडता से देखा ही नहीं, हमेशा टुकड़ों में ही देखा है। और शायद इसीलिए ये जो कांग्रेस सरकार है ये टुकड़े गैंग की एक सरकार बन चुकी है। एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी है जो त्यागियों की, तपस्वियों की और योगियों की पार्टी है, जहां पे हर इंसान जो है वो लोक कर्मठता से लोगों की सेवा में लगा हुआ है और अपनी योग्यता से उसने वो स्थान ग्रहण किया हुआ है। और दूसरी तरफ ये भ्रष्टियों की और भ्रष्टाचारियों की और भोगियों की पार्टी है कांग्रेस पार्टी, जो इस देश की माताओं को सम्मान नहीं देते हैं। नेहरू जी ने एक बार लाल किले से कहा था, जब उनसे पूछा गया था कि देश तो आजाद हो गया है, अब यहां पर इतनी गरीबी क्यों है, तो उन्होंने कहा था ये देश के जो लोग हैं ये सारे निकम्मे हैं और बेकार है, यहां की गरीबी कभी नहीं जा सकती। क्या मनोदशा होगी हमारे देश की जब प्रधानमंत्री लाल किले से ऐसी नकारात्मक और नीच बातें करते हैं? क्या आप सोच सकते हैं दोस्तों? हमारे किसान बहने, किसान भाई, मजदूर बहने, मजदूर, क्या उनको लगा होगा जो इतनी प्रतंत्रता से ना जाने सैकड़ों साल की मुगलों की और अंग्रेजों की सेवा करके निकले हुए हैं, गुलामी सहन करके निकले हुए हैं, उन्हें इस तरह की कड़वी लगने वाली बातें नेहरू कहा करते थे? ना इन्होंने कभी हमारे सैनिकों को इज्जत दी। और आज राहुल गांधी जब भाषण देने लगते हैं तो कहते हैं कि गरीबी इज अ स्टेट ऑफ माइंड। जैसे ही आप अपना दिमाग की सोच चेंज करेंगे आपकी गरीबी बदल जाएगी। गरीबी वास्तविकता में होती ही नहीं है, ये सिर्फ एक मन का वहम होती है, इस तरह की बातें राहुल गांधी कहते हैं। एक बार मैरी एंटोनियट ने ऐसा कहा था फ्रांस में, उन्होंने कहा था कि जब किसानों ने उनसे पूछा था कि हमारे पास रोटी तक खाने के पैसे नहीं है, तो उन्होंने कहा था रोटी नहीं खा सकते तो केक खा लो, चपाती नहीं खा सकते तो मिठाई खा लो, जिसके कारण लोगों ने उनके महल पर आक्रमण कर दिया था और उनको मार पीट कर महल से निकाल दिया था। यही मेरे दोस्तों ने 2014 में किया हुआ है। और फिर से ये वक्त आया है कि जो कांग्रेस की दीमक है इसको जितनी भी बची खुची है हम अपने भारत से निकाल दें दोस्तों, और यहाँ पे हम संपूर्ण हिंदू राष्ट्र की जो है स्थापना करें।